हेलो नमस्कार सभी कवि मित्रों को, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के लोहानी खालिस, मैं अनुग्रहित हूँ कि तार शतक समूह द्वारा मुझे एकल पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं पिछले कई सालों से निरंतर काव्य लेखन में जुड़ा हूँ और देश भर की करीब 125 पत्र पत्रिकाओं में मेरी 150 से ज़्यादा रचनाएं छप चुकी हैं और मेरे काव्य संग्रह 5 प्रकाशित हो चुके हैं। इश्क सूफियाना और शब्द निषक्त, एक बीज की संभावना, जिंदगी है जलसा, उदासी से आनंद की ओर और 2 काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन हैं, उलटवासियां और राइजिंग ऑफ ए टाइगर। मैंने अब तक 49 बार रक्तदान भी किया है और कई समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ा हूँ और कई कवि सम्मेलनों, काव्य समारोहों और काव्य गोष्ठियों में सक्रिय रहा हूँ और कईयों का मैंने संचालन भी किया है, संयोजन किया है और नवमानव सृजनशील चेतना समिति के तहत हर माह गोष्ठियाँ होती रहती हैं। तो मैं तारशतक समूह के मार्गदर्शक रविकांत जी सनाडिया, संयोजक डॉक्टर अवधेश जी जौहरी, सचिव गोपाल जी पंचोली और मीडिया प्रभारी संपत जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे तारशतक समूह में एकल काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। तो इसके लिए मैं आज अपनी 2 ताज़ा रचनाएँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहली है महके और महकाएँ गज़ल और दूसरी रचना है समसामयिक विषय पर। आप इसको सुने, इसका आनंद लें और बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लीजिए, आज एक नई ताज़ा गज़ल करता हूँ आपकी सेवा में। मैं डॉक्टर एस के लोहानी खालिस। नई गजल है, महके और महकाएं। क्यों न हम किसी इत्र मानिन महक जाएं, क्यों न हम किसी इत्र मानिन महक जाएं, जहां भी जाएं वही जगह महक जाए। किसी को कभी कुछ भी पता न चल पाए, किसी को कभी कुछ भी पता न चल पाए, भला कहां से ये भीनी सी महक आए। हमारे होने से हर मुखड़ा खिल उठे, हमारे होने से हर मुखड़ा खिल उठे, मीठी मीठी बातों में वो बहक जाए। सब हो जाए मदमस्त यूं होले होले, सब हो जाए मदमस्त यूं होले होले, उदासी खत्म हो जाए फिजां चहक जाए, उदासी खत्म हो जाए फिजां चहक जाए। अपनी मुस्कान पे मुस्काए हर इंसान, अपनी मुस्कान पे मुस्काए हर इंसान, नफरत फैलाने वाले दिल दहक जाए। अब तो ऐसी कोई गंध फैले खालिस, अब तो ऐसी कोई गंध फैले खालिस, जासू मोहब्बत की फसलें लहक जाए, जासू मोहब्बत की फसलें लहक जाए, फसलें लहक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।